फ्रेंड्स, मैं हूँ मोना और मेरे चैनल मोना मैजिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे वीडियो को देखकर आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप खुद भी, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा देखने के बाद कि मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। सिर्फ तीन चीज़ों से हम बनाएंगे पास्ता। इसके लिए हमने लिया है एक बड़ा कटा हुआ प्याज, एक टमाटर बड़ा कटा हुआ, और हमने लिया पेने पास्ता। पेने पास्ता लिया है हमने 200 ग्राम पेने पास्ता लिया है हल्दीराम का। इसे अभी हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। पास्ता को बॉईल करने के लिए हमने एक कढ़ाई में पानी डाला है, 3 बाउल पानी डाला है हमने। उसमें नमक डाला है और ऑयल डाला थोड़ा सा ताकि पास्ता हमारा चिपके ना। अब हमारा पानी गर्म हो गया है, पास्ता को बॉईल कर लेंगे हम। हमारे पास्ता को अब हम 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है। अभी ये पूरी तरह से बॉईल नहीं हुआ है। अभी हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, इससे हमारा पास्ता में अच्छा कलर आ जाएगा। अभी हमारा पास्ता पूरी तरह बॉईल नहीं हुआ है, अभी इसे हम और बॉईल करेंगे। इसे हम ढक के रख देते हैं जिससे कि जल्दी बॉईल हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने पास्ता को एक छन्नी में निकाल लिया है। अब इसे हम इसके ऊपर तुरंत ठंडा पानी डालेंगे। इसके ऊपर ठंडा पानी डालने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं। इसके ऊपर हम 1 गिलास ठंडा पानी डालेंगे, इससे ये पास्ता हमारा चिपकेगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पास्ता आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ है, अलग अलग है हमारा पास्ता। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं पास्ता। उसके लिए सबसे पहले तेल गरम, फिर हमने 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा लाल नहीं करना है, उसको ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा सौते वक्त करना है प्याज को। हल्का सा कलर बस चेंज करना है हमें। बहुत ही आसान है ये पास्ता बनाना। हमने सिर्फ इसमें प्याज और टमाटर डाला है, नमक, हल्दी, मिर्च और कुछ नहीं, बस उसी से हमारा पास्ता बन जाएगा और बहुत जल्दी बन जाता है ये पास्ता। और बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। तो बनाने में हमें सिर्फ 5 मिनट लगेगा, बॉईल करने में बस टाइम लगा है हमें 10 मिनट, और इसे बनाने में हमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। हमारे प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया फ्रेंड्स, अभी इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के इसे 2 मिनट के लिए ढक दें। हमारा टमाटर भी भून गया है, इसे हमें हल्के ही सा भूनना था। इसमें हम हल्दी थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हम इसे पास्ता को बॉईल करते समय भी हल्दी डाले थे पहले, इसलिए अभी हम हल्दी कम डालेंगे। तो थोड़ा सा मिर्च पाउडर, तो हल्दी और मिर्च को जो हल्का सा भूनेंगे हम। और फ्रेंड्स, ये हमारा प्याज और टमाटर हो गया है, अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे अपना। प्याज अपना पास्ता डाल दिया, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब हम इसमें नमक बस डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे हम इसमें, और इसे मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पास्ता तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा पास्ता।
हम इसे सॉस से डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर से आप इसमें अगर सॉस खाते हैं तो सॉस डाल लीजिए। आपका पास्ता रेडी है, पेने पास्ता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।